अभी अभी की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों बंगाल से, जहां पर दीदी के गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त चमत्कार करते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 0 सीट से उठकर सीधे एक बहुत बड़े सीट के संख्या तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरी खबर आपको पूरी तरह से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को दबाना बेहद जरूरी है। इसके साथ इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। एक बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर दीदी के गढ़ में चमत्कार होता हुआ नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के समर्थन में जबरदस्त तरीके से सीट मिलती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होनी है। अप्रैल की बढ़ती गर्मी के बीच में देश के अंदर चुनावी सियासत भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। 11 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों के अंदर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है। हम आपको बता दें कि इंडिया टीवी और सीएनएक्स के पहले फेज की वोटिंग के अनुसार 200 सीट का सर्वे आ गया है। करीब एक दशक पहले बंगाल की राजनीति में जमीन की तलाश कर रही बीजेपी अब ममता की पार्टी के गले तक पहुंच चुकी है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा समर्थन मिल रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर। 2014 में भले ही पश्चिम बंगाल में 42 सीटों में से बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली हो, लेकिन 2019 के अंत आते आते अब बंगाल की खाड़ी में बहुत पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यह है कि बंगाल बदल चुका है। बीजेपी ने इस बार बंगाल में 22 सीटों का टारगेट रखा है, लेकिन क्या यह मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है? दरअसल दोस्तों हाँ, यह मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा ओपिनियन पोल इंडिया टीवी के सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में पता चला है कि पश्चिम बंगाल की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को अभी 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी का मोमेंटम आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी साफ तौर पर चुनाव के समाप्त होते ही 22 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही 28 टीएमसी को सीटें मिलने वाली है, लेफ्ट को 1 और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में दोस्तों इंडिया टीवी सीएनएक्स के द्वारा कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी बेहद बड़े तरीके से बंगाल में अपनी धरती तलाशती हुई नजर आ रही है और लगातार मजबूत होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल से एक ऐसा नतीजा देखने को मिलेगा जिसके बाद पूरा देश उससे चौंकता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और लाइक करके इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करके जबरदस्त तरीके से इस वीडियो को अपने लोगों तक फैला दीजिए। दोस्तों जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।